में बिठा के मान रखा है उसको चूसू कर देना, फिर जो है आप पैखाना को मिला करके जो है खाना खिलाना, उसको गो मांस मिला देना और खाना खिलाना, फिर और बहुत सारी चीज़ जो लोग करते हैं क्या, और खाना में थूकना तो एक साधारण चीज़ हो गया। तो इसलिए ये जो है कि और सब चीज़ में तो नहीं किया गया है, क्या गया कि भाई जो सावन महीना में है हमारे काफ़ी लोग जाएंगे और पवित्र अपने आप को रखते हैं, पवित्र वो सामान लेकर भी जाते हैं, वो वहाँ भगवान को अर्पित भी करते हैं, तो वो भी पवित्र होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं क्या कि सामने देखे हम आज एक तो लिखा है कि गणेश भंडार लिखा हुआ है और उसका ओनर है जो है मुसलमान है, तो हम लोग की जो प्रतिक्रिया में योगी ने किया है बहुत विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय में पढ़ाता है हिंदी एकेडमिक में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो कराए। ये बचपन से लेकर जवानी तक हम बात करें, फिर प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक हमने पढ़ा, ये बातें कहीं ना कहीं से जुड़ती नजर आती है। आज गुरु पूर्णिमा है तो कल से सावन लग जाएगा, तो सर सर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा आपसे, ये बात करूँगा सनातन की बात करते हैं, सनातन के ध्वजारोहण होने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश से माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि सावन के महीने में जो विशेष समुदाय है, जो हमारे धार्मिक पहचान, हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें लगाकर जो क्रय विक्रय करते हैं, जो मांस मदिरा बेचते हैं, जो ऐसी कुकृत करते हैं जो हम शब्दों से पिरो नहीं सकते, उन पर एक्शन लिया गया है। तो हमारे देश की जितनी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो भाजपा के सहयोगी हैं, भाजपा लंगड़ी हो गई है सर, सहयोगियों के सहारे चल रही है, तो वो भाजपा को घेरने की कोशिश करते हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, एक तरफ सेकुलर, एक तरफ समाज है, इसको कैसे आप समझते हैं? देखिए जो योगी जी ने जो काम किया, पहला चीज़ है कि मैं उनके भरपूर स्वागत करता हूँ। क्यों? पहला चीज़ है कि वो हिंदुओं को ये चीज़ अभी तक हम लोग किए नहीं थे, आज क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक रिएक्शन है, ये प्रतिक्रिया है, क्योंकि उन लोग के तरफ से अगर हम लोग को लांछित करने के लिए, हम लोग को अपमानित करने के लिए, हम लोग को हमारे धर्म नष्ट करने के लिए अगर काम नहीं किया जाता, जैसे पानी में थूकना, हम देखेंगे कि में बिठा के एक मान रखा है उसको चूसू कर देना, फिर जो है आप पैखाना को मिला करके जो है खाना खिलाना, उसको गो मांस मिला देना और खाना खिलाना, फिर और बहुत सारी चीज़ जो लोग करते हैं क्या, और खाना में थूकना तो एक साधारण चीज़ हो गया। तो इसलिए ये जो है कि और सब चीज़ में तो नहीं किया गया है, क्या गया कि भाई जो सावन महीना में है हमारे काफ़ी लोग जाएंगे और पवित्र अपने आप को रखते हैं, पवित्र वो सामान लेकर भी जाते हैं, वो वहाँ भगवान को अर्पित भी करते हैं, तो वो भी पवित्र होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग हैं क्या कि सामने देखे हम आज एक तो लिखा है कि गणेश भंडार लिखा हुआ है और उसका ओनर है जो है मुसलमान है, तो हम लोग की जो प्रतिक्रिया में योगी ने किया है ये बहुत अच्छा ही किया है। तो इसमें अपना पहचान दिखाने लोग क्यों पीछे हो जाते हैं, जो अपना पहचान दिखाने के लिए इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में एक लड़के खड़ा कर देते मेरा पहचान है, मूर्खा बंद करके करना और लड़ाई कर जाता, सारा विश्व सपोर्ट करता जितने इस्लाम कंट्री, तो अभी कहाँ पीछे हम लोग हैं? जैसे सर वो कहते हैं कि सावन हिंदुओं का है तो हम क्यों नहीं भेज सकते, सेकुलरिज्म है, तो ये नहीं बोलते उमरा जाते हैं करने के लिए वहाँ एक भी गैर मुस्लिम नहीं रहता है, तो हज करने जाते हैं एक गैर मुस्लिम नहीं होता, तो तुम्हारा सेकुलरिज्म अलग, हमारा सेकुलरिज्म अलग। अरे वो तो दूर की बात हो गया, हिंदुस्तान में वो लोग प्रथा के सारे विश्व में जी है, हिंदुस्तान में हलाल प्रथा को लोग हलाल नहीं कर दिया है, ये फ्रूट भी हलाल होगा, मांस हलाल होगा, ये होगा नहीं होगा, तो खाएंगे होटल में जो हलाल होटल में जब उतना अपने आप को हम लोग ये हलाल जो है इकोनॉमी है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है, सारा विशेष समुदाय हलाल देख कर लेता है, ये हिंदुओं को मतलब कि हिंदुओं के जॉब खोलने का काम,
इसको लेकर सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती? जब हम हलाल इकोनॉमी की बात करते हैं विशेष समुदाय तो बोलता है नहीं, कुछ सेकुलर भी खड़े हो जाते हैं, हिंदू खड़े हो जाते हैं कि उनका दीन है, उनका मजहब है, उनका वजूहत है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए? नमस्कार, क्या है लेकिन है क्या की मेरा जीवन कैसा था? बीजेपी जो है अभी तो सेकुलर पार्टी है, बताना चाहती हूँ। वो भी अपने आप को हिंदू का पर्सन नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं वो सुनो हिंदू का लेकिन जैसे मंदिर जाना, पूजा करना, मसाज करेंगे तो मंगलवार को प्रसाद चढ़ाना, ये सब प्रतिदिन। मैं दूसरा जनमानस समाचार, लेकिन मैं घबराती बहुत